मैं समझता हूँ, मैंने बताऊँ बिजली पे, पानी पे, सड़क पे, अस्पताल पे, हॉस्पिटल पे, सब पे चुनाव लड़ूंगा। और सारी चीज़ें हैं, एक एमपी अपनी जेब से निकाल के कुछ अलग से नहीं करता। टोटल योजनाएं लाना हमारा काम है, योजनाओं को लागू कराना हमारा काम है। और आज मैं बता रहा हूँ जो जिले के अंदर में योजनाएं, जो मालपुरा में योजना लागू हो रही है, वो अनेकों योजनाएं लागू हैं, हर आदमी लाभान्वित हो रहा है। आज भाजपा कार्यकर्ताओं की जो बैठक हुई, जिसमें जो हुड़दंगबाजी हुई, आपके विरोध में जो कार्यकर्ता खुलकर सामने आए हैं, इस बात को लेकर क्या कहना? मैं समझता हूँ कि आप कार्यकर्ता है जिसके हम कभी भी रहे हैं, जिसने कहा कि मेरे को पटका नहीं पहराया, अब मैं आज आपको सोने का पटका पहरा दूं, अब आप बताओ उसकी नाराजगी कोई नाराजगी मानने में जाएगा? परिवार जिस आदमी को उठा के बात रखनी है तो उसका कोई ऐलान नहीं है, बाकी कार्यकर्ता कोई भी नाराज नहीं, सब बात हुई है। 10 साल में एक उपलब्धि विधानसभा क्षेत्र के अंदर में मैंने बताई 55,000 मकान बना के समर्पित, मालपुरा विधानसभा क्षेत्र की मालपुरा की बात कर रहा हूँ मैं, मैंने बताई मालपुरा में 1,055 मकान 25 बना के दे दिए, हर गांव में 800 मकान, 500, 600 मकान बने हैं। आज पूरे जिले के अंदर में, मालपुरा के अंदर में बताऊं, इतने विकास हुए हैं जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। ये केंद्र सरकार की उपलब्धियां हैं, आपकी एक उपलब्धि अपने कार्यकाल से सांसद, सांसद गांव आदर्श गांव का सांसद उसकी जो 200 करोड़ की रोड, क्या कहना उस मामले में? माननीय सांसद साहब के द्वारा यहां पे आई है, उसके साथ साथ जो ERCP जो योजना है उसके में सबसे मुख्य काम हमारे सांसद साहब जौनपुर का, जो 90% जो पहले 60-40 का रेशो के अंदर जो पैसा दिया जाता था, अगर 90% अगर हिस्सा राजस्थान को दिला, और विशेषकर जो मालपुरा विधानसभा क्षेत्र के हर खेत में पानी लाने का काम कर रहा है, तो माननीय सांसद साहब जौनपुर जी मिले, इन्होंने 90% पैसा दिया।